ओके तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो आप ये समझो, साइन 5/8, 5/8 का तो अपने पास टेबल नहीं है, राइट? यस सर। हेलो। हाँ, साइन 5/8 का टेबल है नहीं, तो हमको इस तरह से उसको यूज करके वैल्यू फाइंड करनी है कि बिना टेबल के काम हो जाए। बिना टेबल मीन्स साइन 5/8 का काम ना आए पर टेबल वाला वैल्यू आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? इस टाइप के सम के लिए आप याद करो, तीनों के सारे फॉर्मूले दिमाग में होते रहने चाहिए, बट यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ेगी यूज करने के लिए भी फॉर्मूले। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो दैट कॉस 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन इज 1 - 2 sin² थीटा, राइट? यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर आप यहाँ से अच्छे से देख पा रहे हो, यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे हो, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - cos² थीटा/2, बरोबर? यस सर। यस सर। मैं सिर्फ इसको कर रहा हूँ, थीटा इज 1 - cos² थीटा/2। सर आपकी आवाज अटक रही है। अब वापस क्यों अटक रही है? हेलो 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 हेलो, तो क्लियर है सर आवाज? हाँ, किसी एक को अटक रहे तो मतलब उनका प्रॉब्लम होगा। तो एक मिनट रुको, फिर भी मैं ओके। तो 1 - cos² थीटा/2 हमें फाइंड करना है साइन 5/8। तो इफ सपोज नाउ वी आर पुटिंग थीटा इक्वल्स टू 5/8, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर 5/8 इज इक्वल्स टू 1 - cos² थीटा, थीटा इज 5/8/2। तो अगर आप दिमाग लगाए हो थोड़ा सा, तो मिल गया आपको cos 5/4। cos 5/4 का वैल्यू तो सबको पता है, अपॉन रूट टू। यस 1 √2/2। अब इसको आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर के पार्ट में ही पहले 1 - 1/√2 है, दैट मीन्स √2 - 1/√2 ऐसा मिलेगा। यस यस सर। अच्छा लेकिन ध्यान दो, अपने पास अभी दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कि क्योंकि हमें √2 मिला है डिनोमिनेटर में, उसको अगर हटाना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। यस सर। हेलो, तो अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 करोगे देन व्हाट यू विल गेट √2 - 1 × √2 / 2 × √2 × √2। √2 इज 2 ना? यस सर। दैट मीन्स 4। ये किसकी वैल्यू है? साइन स्क्वायर 5/8 की। देन साइन 5/8 क्या मिलेगा? हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो देयर फॉर साइन 5/8 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ इसका पूरे का स्क्वायर रूट बाय 4। दैट मीन्स आपको मिल रहा है √2। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, आप लोग को मुझे डाउट रहता है कि आप लोग कैलकुलेशन में चमत्कार कर दोगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। यस कुछ समझा? अगर अच्छा, सुनो सुनो सुनो, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है कि सर कैलकुलेशन वाइज डर रहा है, तो बेटर मैं सजेस्ट करूंगा आप क्या करोगे, ये जो स्टेप है ये स्टेप, ये आपको वैल्यू मिल चुका है साइन स्क्वायर 5/8 इज √2 - 1/√2। मुझे चाहिए साइन 5/8, तो इसके बाद डायरेक्टली ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट आपको क्या मिल जाएगा? साइन 5/8 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1/√2। यही खत्म कर दो, आगे जाओ ये मत, अगर आपको लगता है तो कंजुगेट करो ही मत। समझ रहा है? यस सर। क्या बेटर लगता है आपको ये देखो। लोग लिख रहे हैं?
यस सर यस सर अभी तक कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना स्टार्ट होने के बारे में सर नो सर सर कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था हो गया हो गया यस सर यस सर यस सर ओके अगर हो गया तो फिर दूसरा वैल्यू जो फाइंड करना है इज फॉर कॉस पाई बाय 8 सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करोगे कॉस पाई फॉर्मूला कौन सा अपना याद है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉस स्क्वायर थीटा विल बी वन प्लस कॉस टू थीटा बाय टू 1 plus cos 2 theta by 2. Now putting theta equals to pi by 8. Cos square pi by 8 is 1 plus cos 2 into pi by 8 whole divided by 2. 2 fours are 8. So 1 plus cos pi by 4 by 2 is cos square pi by 8. समझ गए इसके आगे करो समझे कि नहीं yes, sir. करो इसके आगे जैसे ही आंसर आएगा बताओ complete क्या है आंसर स्क्वायर रूट ऑफ रूट टू इनटू रूट टू प्लस वन अपॉन टू हाँ गुड करेक्ट है
सर कॉन्जुगेट प्रिपेयर नहीं किया तो स्क्वायर रूट ऑफ रूट टू प्लस वन अपॉन टू रूट टू आया। बराबर है। हो गया सबका? यस सर। यस सर। ओके, अगर हो गया तो फटाफट जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सम के लिए। क्वेश्चन नंबर टू, आप इतना समझो मोस्टली सिर्फ फॉर्मूले का गेम होगा और कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला अच्छे से आ रहा है, बाकी कुछ है नहीं। टॉपिक इनफैक्ट कंप्लीट बोरिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज टू फाइंड साइन 2x cos 2x tan 2x व्हेन वी हैव sec x वैल्यू। तो मुझे आप लोग बताओगे हाउ टू फाइंड साइन 2x cos 2x एंड tan 2x सॉरी व्हेन वी हैव sec x। sec x इज गिवन माइनस 13 बाय 5 वेयर x इज ग्रेटर देन 5 बाय 2 एंड लेस देन पाई। इट मींस x lies in Which quadrant? Second quadrant. X lies in second quadrant. Yes. X lies in second quadrant. So we have sec x value और आपको sin 2x, cos 2x, tan 2x find करना है। तो कोई बता सकता है क्या करना चाहिए हमें? सर हमें sec x को हमें tan x में convert करना चाहिए, मतलब tan square x equal to sec square x का formula लगा के। फिर उसके बाद सर sin 2x का जो फॉर्मूला है टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसमें वो फॉर्मूला अप्लाई करने का और सेम बाकी में भी करना। हाँ ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ग्रेट, अथर्व ने सही बोला। और किसी का दिमाग? हेलो और किसी का कोई ये एक्सप्लेनेशन, कोई और पॉइंट? कोई नहीं बोल रहा है। हेलो, कोई बोलना चाह रहा है? क्या हो रहा है? अथर्व ने बोला बेस्ड ऑन sec x फाइंड tan x एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। आप में से कोई कुछ? हुआ क्या? तुम लोग ऐसे तो नहीं तेरे संस्कार? Yes, sir. संस्कार तो है ना। हाँ, अब तो तू भी बोलना बंद कर चुका है, नालायक हो गया तू। क्या कर सकते, कोई आइडिया दे। अरे बेकार हो तुम लोग। अरे सिंपल चीजें सीखो ना ट्रिग्नो में तुम लोग। हाँ सर, sec को cos में कन्वर्ट करके फिर वो cos का वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, cos square minus sin square x is equals to 1। देखो actually ना लाइको, सिंपल सी बात है। हम सबको ये बताया गया था स्कूल सेक्शन में ही कि ट्रिग्नो में अगर आप कहीं फंसते हो तो सबसे पहले sin cos के पास जाओ। सिंस वी हैव sec x, देयरफॉर इजीली वी कैन फाइंड cos x। cos x is minus 5 by 13, बरोबर है? Yes sir। फिर उसके बाद जैसा घनश्याम बोल रहा है, we know that sin square x is 1 minus cos square x। तो
बेसिक चीज है। अथर ने भी करेक्ट बोला था, उसका मेथड भी बहुत अच्छा है, बट अगर आपको कुछ नहीं समझता तो इतना तो समझना ही चाहिए। ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो जाएगी 12/13 प्लस या माइनस प्लस 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 क्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना। यस, ये रीजन बहुत जरूरी है समझना, सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दैट्स व्हाई साइन एक्स इज 12/13। अब मेरे पास साइन एक्स एंड कॉस एक्स की वैल्यू है, तो मुझे जो भी फाइंड करना है बहुत इजिली फाइंड कर लूंगा। पहले मुझे फाइंड करना है साइन टू की 2x, नाउ साइन 2x, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है। यस सर, यस। तो 2 इंटू साइन एक्स 12/13 इंटू माइनस 5/13, सो दैट विल बी नाउ क्या हो जाएगा, माइनस 120/169 है साइन 2x। कॉस 2x कैसे फाइंड करूं, कैसे फाइंड करूं, फॉर्मूला बोलो जल्दी। कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर टू। Very nice. We have cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x. कोई भी formula apply करो आपका answer आता है। Yes. Yes, sir. So, अगर मैं लेता हूँ cos square x minus sin square x, that means minus 5/13 the square minus 12/13 the square. So, 25/169 minus 144/169. That means the answer is 25 minus 144 कितना होगा, हेलो, कंप्लीट किया सबने? यस, कोई लिख रहे हो कि नहीं? यस सर, हो गया सर। इसका आंसर क्या आया था, माइनस 119 अपॉन 169, और इसके बाद tan 2x को इजीली फाइंड कर सकते हो, tan इज sin अपॉन cos, राइट सर? यस सर, वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो, कर रहे हो कि नहीं? यस,
सबका हो जाएगा तो बताओ जरा। हेलो 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 फिनिश फिनिश नो तुम लोग बहुत बेकार हो गए हो रे, पहले ऐसा नहीं थे। नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। अथर्व तू है ना? यस सर। हाँ तू अच्छा बच्चा है, तू कम से कम रिस्पॉन्ड कर, बाकी सब नालायक हो रहे हैं। सर होने को आया सर। गुड। डीसी तू भी है? डीसी यस सर। हाँ सुना कर, कम से कम रिस्पॉन्ड किया सर। तुम लोग का कॉलेज एक बार फटाक से कुछ करता ना रे, मुझे टाइमिंग शेड्यूल पूरा चेंज करना है, लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ाना है, लेकिन कॉलेज ना मैं जिस चीज के लिए वेट कर रहा हूँ दिमाग खराब हो रहा है। सबको आया या कोई अभी भी फंस रहा है? ऐसा कोई है जिसको कंफ्यूजन है प्लीज तो बोल दो, एक्सप्लेन कर देता हूं। हेलो 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 नो डाउट। So now let's start. Before to start, मैं आपको ना last time जो formulae सब दिए थे, ध्यान है सबको ना? आप लोग तो सब पढ़ रहे हो, रोज लिख रहे हो। Yes sir. अच्छा देखो, अभी उसके basis पे मुझे ना नया दो formula देना है, जरा ध्यान देना। देखो 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 इधर, सबका हो गया tan theta का 2 x का value आ गया। Yes sir. Tan 2 x की value कितनी आई फिर? 120 upon 190. ओके ओके देखो 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 देखो, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी अभी यूज भी किया इसी प्रीवियस सम में, इनफैक्ट इसमें भी यूज किया। cos 2 थीटा के फॉर्मूला 1 minus sin square theta and 2 cos square theta minus 1, right? Yes, sir. है ना? हाँ सर। अब यहां से मैं आपके लिए जो अभी अभी हमने यूज किया उसको ही एज अ फॉर्मूला लेके आ रहे हैं। फॉर्मूला कैसे बना रहा देख, इसको देख। cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta, therefore we can say 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta. बराबर ना? Yes sir. Yes sir. अरे इतना तो समझ रहा है कि नहीं? क्या है तुम लोग? Yes sir. Yes sir. Yes sir.
एंड अगर cos 2 थीटा इज 2 cos square थीटा माइनस 1 देयरफॉर 2 cos square थीटा इज व्हाट 1 प्लस cos 2 थीटा बरोबर यस 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 सर तो ये दो फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं दो फॉर्मूले क्या मिल रहे हैं ये फॉर्मूला इनफैक्ट हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ये फॉर्म में बट कई जगह पे क्योंकि ऐसा कुछ यूज होगा तो आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये आपके कैलकुलस में बहुत जगह यूज होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत बार घूम फिर के आने वाला है तो एज इट इज ऐसे इसको समझने की कोशिश करना कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो अगर आपको याद होगा इसके बेसिस पे अपने आप दो फॉर्म जाते हैं अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर मैं सिर्फ थीटा ले लूं तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यस सर अरे तो याद आएगा अगर 2 थीटा है तो थीटा बाय 2 नहीं रहता है लेकिन अगर जैसे 2 यहां से गायब होगा तो थीटा बाय 2 आ रहा था भूल गए क्या नो सर ये भगवान कोई रिस्पोंड नहीं कर रहा आज हुआ क्या तुम लोग ऑफलाइन में बहुत मार खाने वाले सब लोग मैं किसी को नहीं छोड़ेगा कुछ समझ रहा है या सब भूल चुके हो प्रॉब्लम क्या ना रिस्पॉन्स देने का याद है सर लेक्चर समझ नहीं रहा है क्या समझ आया नो सर कोई नहीं बोल रहा इतना शांत तुम लोग नहीं रहते थे हाँ तो ये इसके बेसिस पे ये हुआ सिमिलरली देयर इज फॉर्मूला फॉर साइन अगर इसको इसको अगर आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हो तो आप ऐसे पढ़ो 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta and 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. तो इसी का जब 2 theta हटाएंगे तो half angle. अब इसी तरह से आप में से दिमाग चलना चाहिए तो 1 minus sin theta क्या हो जाएगा? Sin 2 theta क्या हो जाएगा? And 1 प्लस साइन क्या होगा कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा अरे तुम लोग कुछ सोच के बोलो 1 माइनस साइन 2 थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन 2 थीटा ये कहां से आया समझा ना ये कहां से आया ये अपने फॉर्मूले से ही सिर्फ मैंने उसको शफल करके लेके आ गया तो 1 माइनस साइन 2 थीटा क्या होगा देख लो अपने मन से कुछ भी मत बोलो ये होता है ये चलो इसको देखते हैं cos थीटा sin थीटा आएगा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 * cos थीटा sin थीटा ये a plus b double square क्या होता है a minus b a plus b कौन तुम लोग बात क्या कर आज हुआ क्या है तुम लोगों को मैं सच बता रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम में आने वाले हो या तो तुम लोग पढ़ने रहे हो इतना मुझे समझ में आ रहा है अब गुस्सा आ रहा है मुझे अब तक मैं मजाक में ले रहा था गुस्सा आ रहा है मुझे a plus b double square क्या होता है a square plus 2ab plus b square तो फिर कहाँ है यहाँ इसका मतलब तुम लोग ये बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे कोई और ध्यान है तुम लोगों का अजीब हालत बना के रखे हो तब से मैं बात कर रहा हूँ जो लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ना उन लोगों को बताता हूँ आज ऑफिस में आने के बाद कथा सुनने के लिए लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हम लोग एक तो बीच में ये फोन ये फॉर्मूले लिखो इसके बेसिस पे ये भी लिखो
हेलो, इसका फॉर्मूला फिर कैसे समझेगा? कौन बोल रहा है? हेलो, इसके बेसिस पे ये क्या बनेगा? कोई बोल रहा है? cos थीटा माइनस sin cos थीटा द होल स्क्वायर बाय 2. बोल रहा है ना, अब तक आपके साथ फॉर्मूला समझाया, देख लो. कोई आंसर दे रहा है एग्जैक्टली क्या होगा फॉर्मूला यहाँ पे? आदित्य गावड़े, cos theta by 2 minus sin theta by 2 the whole square. कौन बोल रहा है ये? कीर्तन. कीर्तन, ओके, एज एक्सपेक्टेड. बाकी लोग को तो पता नहीं चलता, मतलब आप लोग क्या फॉर्मूला डेली बेसिस पे लिखते हो ना, ये मुझे समझ में आ रहा है. आज तो तुम लोग का ना बहुत अच्छा दिन जाने वाला है. आ जाओ, आज मिलते हैं. मतलब फॉर्मूला लिख रहे हो बट एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आ रहा है कि गेम पूरा हो कैसे रहा है. ग्रेट, एक दो लोग को छोड़ के बाकी सब टाइम पास. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कैसे काम हो रहा है, या आप समझना ही नहीं चाहते हो कि कैसे काम हो रहा है, तो मतलब ही नहीं है ना. फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई कर रहे हो. कई बार बोल चुका हूँ यहाँ पे, साइंस का स्ट्रीम में सबसे, या कोई भी पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि समझो कि एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. रटने की कोशिश कर रहे हो और पूरा गेम चौपट हो रहा है, और फिर तुम लोग बोलोगे कि ट्रिकनो. मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिकनो को अगर तुम लोग मजाक में ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे का दुनिया आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. देखिए, मुझे लगता है तुम लोग को समझाना बेकार है, बात करना बेकार है. ये लिख के लो चारों फॉर्मूले. सच में तुम लोग ना ग्रेट हो. एक सम में एटलीस्ट सॉल्व कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देख लो. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट इज टू प्रूव दैट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा. ये प्रूव करना है. अब क्योंकि आपके पास अभी अभी मैंने फॉर्मूला दिया है, तो इट इज वेरी इजी टू डू. 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा. 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा. 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा. 2 2 कैंसिल्ड. sin स्क्वायर / cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा. दिस इज योर आंसर. यही डिफरेंस है फॉर्मूला अच्छे से आने या नहीं आने का. फॉर्मूला आएगा तो धड़ाधड़ उड़ा दोगे, नहीं आएगा तो हम आधा घंटा सोचोगे और बात भी छोड़ के निकल जाओगे. ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. तो आप लोग अगर बोल रहे हो कि फॉर्मूला मैं मंडे को ही पूछने वाला था और आज थर्सडे है, मतलब आप प्रिपेयर्ड हो, वेरी गुड. मिलते हैं आज, देखते हैं कितने प्रिपेयर्ड हो. सर आज फिजिक्स का लेक्चर है बट. हाँ तो क्या हुआ, मैं फॉर्मूला पूछने तो आ ही सकता हूँ ना. यस सर.
मैं बिगनिंग में ही एंट्री करूंगा फॉर्मूला पूछने के लिए। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, आज मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, ये कंप्लीट कर लो एंड देन मिलते हैं। हेलो सर। बोलो। आज जो फॉर्मूले दे वो भी लेंगे आज। ये फॉर्मूला क्या है, क्यों नहीं लूंगा मैं? इसमें ऐसा कोई बड़ी बात तो थी नहीं कि ये अलग से मैंने कुछ दिया है ना। हाँ सर। और जो लोग एब्सेंट होंगे उनके लिए तो और मजेदार खबर मैं दूंगा बाद में, अगर कोई दिमाग लगाता है कुछ होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। यस। हो गया सबका लिख के? यस सर। यस सर। ओके चलो, थैंक यू, बाय।